अगर आप एक हाफ ईयर डिजाइन के ईयरबड्स कंसिडर करना चाहते हैं और आप कंफ्यूज है कि आपको जेब्रॉनिक जेब साउंड बॉम्ब थ्री जिसका प्राइसिंग अप्रोक्सीमेटली ट्रिपल नाइन रुपीज उसको ऑप्शन में रखना चाहिए या थोड़े बहुत और पैसे इन्वेस्ट करके आपको Nice birds, VS202, true wireless birds, जिसका अप्रोक्सीमेटली सोलह सौ रुपए उसको ऑप्शन में रखना चाहिए और ये जो प्राइसिंग है ये नॉर्मल डेज पे प्राइसिंग है जो सेल्स आती है ऑफर्स आती है तो ये नॉर्मल डेज में इनकी प्राइसिंग है और दोनों के ही अनबॉक्सिंग और रिव्यूज पे बिल्कुल डिटेल वीडियो सारे टेस्ट ऑलरेडी बना चुका हूं अगर आपको पूरी प्रॉपर डिटेलिंग देखनी है किसी के बारे में भी तो हमारे वीडियो इसमें चेकआउट करके देख सकते हैं और इस वीडियो में हम डिसाइड करेंगे सबसे पहले चेक करेंगे दोनों के बेसिक डिफरेंसेस फिर हम चेक करेंगे दोनों की बिल्ड क्वालिटी साउंड क्वालिटी बेस क्वालिटी कॉल क्वालिटी और गेमिंग एक्सपीरियंस और एंड तक पॉज से से हम डिसाइड करेंगे कि विच वन इज बेटर एंड विच वन यू शुड बाय सो होप यू लाइक दिस वन एंड इफ यू न्यू टू आवर चैनल काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल हिट द लाइक बटन कमेंट शेयर एज मच एज पॉसिबल सो वी कैन मेक मोर गुड फॉर यू ऑल सो लेट्स गेट स्टार्ट सबसे पहले हम करते हैं चेकआउट दोनों के बेसिक डिफरेंसेस So here you can see comparing the Zebronix Zeb Sound Bomb 3 with the Noise Buds VS202. Zebronix में आपको Bluetooth वर्जन 5.2 मिलेगा and Noise में आपको Bluetooth वर्जन 5.3 मिलेगा and Noise में आपको IPX4 water and sweat resistant feature मिलेगा and हालांकि Zebronix में ऐसे IP rating कहीं मेंशन नहीं की गई है लेकिन इसमें भी आपको splash proof feature मिल जाएगा and दोनों में ही आपको 13 mm के dynamic drivers मिलेंगे and दोनों में ही आपको instant wake and pair technology भी मिलेगी. बैटरी की बात करेंगे जिब्रोनिक्स में आपको अप्रोक्सीमेटली

So, ये थे दोनों के बेसिक डिफरेंसेस और देखा जाए हर मामले में जेब्रॉनिक्स नॉइस को बिल्कुल टक्कर दे रहा है कम प्राइसिंग के हिसाब से भी लेकिन जो बैटरी पार्ट है वहां आपको बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा जेब्रॉनिक्स में काफी आपको कम बैटरी मिलने वाली है कंपेयर टू नॉइस सो so, ये दोनों के बेसिक डिफ्रेंसिस थे और अगर हम बात करेंगे दोनों के लुक एंड फील की सबसे पहले हम पकड़ते हैं जेब्रोनिक जेब साउंड बॉम्ब थ्री को इसमें आपको बिल्कुल छोटा सा कॉम्पैक्ट सा, के डिब्बे का जैसा बिल्कुल आपको केस मिल जाएगा जो बॉम्ब नाम दिया गया है छोटा सा बॉम्ब बोल सकते हैं लेकिन प्लास्टिक क्वालिटी आपको डिसेंट मिल जाएगी फ्रंट में आपको मिल जाएंगे चार बैटरी इंडिकेटर लाइट जीबी एक प्लस पॉइंट है नीचे आपको टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट और पीछे आपको मिल जाएगा यहाँ पे एक रीसेट का बटन और बहुत ही कॉम्पैक्ट है इसको आप आराम से पॉकेट में कैरी कर सकते हैं बहुत ही लाइट वेट ईयरबडस का केस है पोर्टेबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है बिल्कुल आपको प्रॉमिसिंग मिल जाएगी कम प्राइसिंग के हिसाब से भी बात करेंगे नॉइस बर्ड्स वी एस टू जीरो टू के केस की इसमें आपको थोड़ा बहुत बल्कि सा केस मिलेगा इस कंपेयर टू जेब्रॉनिक्स लेकिन जो क्वालिटी आपको अच्छी मिल जाएगी फ्रंट में आपको मैट फिनिश मिलने वाला है और साइड में देखेंगे तो आपको मिल जाएगी ईयरबड से केस में ही एंड फ्रंट में आपको एक छोटा सा बैटरी इंडिकेटर लाइट मिलेगा नीचे आपको टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट मिलेगा और एस सच कोई डेडिकेटेड बटन प्रोवाइड नहीं किया गया इयरबड्स से केस में थोड़ा बहुत बल्कि है लेकिन ये पॉकेट फ्रेंडली है पॉकेट में तो आराम से इसको कैरी कर पाएंगे ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी पोर्टेबिलिटी में एंड दोनों की ही प्लास्टिक क्वालिटी आपको डिस मिल जाएगी थोड़ी बहुत आपको बेटर प्रीमियम लग सकती है नॉइस में एज कम्पेयर टू तो जेब्रॉनिक्स लेकिन जो प्लास्टिक क्वालिटी और बिल्ड क्वालिटी की दोनों ही आपको अच्छी मिल जाएगी ऐसी मुझे दिक्कत नहीं लगी दोनों ही बिल्ड क्वालिटी को लेकर लेकिन ज्यादा कॉम्पैक्ट और बढ़िया जो केस है जेबरॉनिक्स का है मुझे थोड़ा बहुत बेटर केस लगा जेबरॉनिक्स का एज कम्पेयर टू नॉइस बात करेंगे बर्ड्स की स में आपको बिल्कुल प्रॉपर हाफ इन ए डिजाइन के छोटे साइज के आपको कंपेरेटिवली ईयरबड्स मिलेंगे लुक एंड फील बिल्कुल प्रॉमिसिंग दिया गया है प्लास्टिक क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है एंड इसको प्रॉपरली कानों में लटकाएंगे सच कोई ईयर कब्स तो नहीं है हाफ इन डिजाइन के ईयरबड्स ही है कानों को सही तरीके से पैक कर लेते हैं और बाहर की नॉइज भी आपको पता चलेगी एक्जेक्टली बैकग्राउंड में क्या एक्टिविटीज हो रही है लेकिन अगर आप वर्कआउट्स करते हैं वर्कआउट्स भी करते हैं तो यार मुझे ऐसे कोई दिक्कत नहीं लगी इसको डेफिनेटली वर्कआउट्स के टाइम भी यूज कर पाएंगे कानों से बिल्कुल गिरने के चांसेस नहीं लगे एंड अगर हम बात करेंगे नॉइज बर्ड्स की तो इसका कंपेरेटिवली थोड़े बहुत लंबे साइज के आपको सेम शेप के ईयरबड्स मिलेंगे टू जबनिक जिसमें भी आपको हाफ इन डिजाइन के ईयरबड्स मिल जाएंगे एंड लुक एंड फील थोड़ा बहुत आपको यूनिक मिलने वाला है मार्केट के हिसाब से अच्छा लुक एंड फील लग रहा है प्लास्टिक क्वालिटी इसकी भी आपको काफी प्रीमियम मिल जाएगी एंड कानों को सही तरीके से पैक करते हैं हैवी वर्कआउट से टाइम हो सकता है बाई चांस कभी कभी स्लिप हो जाए लेकिन इसमें भी आपको सिक्योर फिट अच्छा मिल जाएगा ईयरबड्स लगाते पता चलेगा एक्जैक्टली exactly बैकग्राउंड में अवस क्या हो रही है एक्टिविटीज़ क्या हो रही है बिल्कुल सही तरीके से पैक तो नहीं करते हैं हाफ एंड डिजाइन के ईयरबड्स ये भी हैं लेकिन जो लुक एंड फिलील आपको थोड़ा बहुत जो बोलते हैं ना बेटर फील और प्रीमियमनेस आपको लगेगी नॉइस के बर्ड्स में एज कंपेयर टू जेब्रोनिक्स एंड अगर हम बात करेंगे दोनों की टच कंट्रोल्स की दोनों में आपको टच कंट्रोल्स मिल जाएंगे लेकिन नॉइस में आपको मिलने वाले हैं फुल टच कंट्रोल्स यू कैन प्ले पॉज आंसर कॉल रिजेक्ट कॉल नेक्स्ट ट्रैक प्रीवियस ट्रैक वॉल्यूम अप डाउन एक्टिवेट द वॉइस एस एंड फीचर सब आप टच कंट्रोल्स के थ्रू कर पाएंगे नॉइस में लेकिन जेब्रॉिक्स में आपको सब मिल जाएगा एक्सेप्ट द वॉल्यूम पार्ट वॉल्यूम अप जेब्रॉनिक से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे बाकी सब कंट्रोल कर पाएंगे लेकिन जो जेबरॉनिक्स में जो तो टच कंट्रोल्स दिए गए ना यहाँ पे आपको साइड में दिए गए हैं ऐसे यहाँ पे टक टक की आवाज आती है थोड़ी बहुत मुझे थोड़ी बहुत इरिटेटिंग लगती है तो यहां पे आपको इसे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है ऐसे से आपको बिल्कुल कानों में बालियों की तरह आपको लगेंगे आप टक टक कर रहे हैं तो उससे ये टच कंट्रोल्स वर्क करते हैं थोड़ी बहुत मुझे इरिटेटिंग आवाज लगती है कि टक की जो आवाज आती है एज कम्पेयर टू नॉइज नॉइस में आपको ये सब आवाजें नहीं मिलने वाली है सो so ये थे इनके टच कंट्रोल्स का हिसाब किताब है अगर हम बात करेंगे दोनों के गेमिंग एक्सपीरियंस की दोनों में आपको डेडिकेटेड गेमिंग मोड नहीं मिलने वाला है लेकिन साफ साफ आपको बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा नॉइस में एज कम्पेयर टू जेबरॉनिक्स जेबरॉनिक्स बिल्कुल गेमिंग के लिए नहीं बने हुए हैं अगर आप बिल्कुल नॉर्मल गेम्स खेलते छोटे मोटे गेम्स खेलते थोड़ी टाइम तक उसके लिए ऑप्शन में रख सकते हैं लेकिन नॉइस

बात करेंगे अब मेन साउंड क्वालिटी बेस क्वालिटी एंड कॉल क्वालिटी की यार दोनों में ही आपको मिलने वाले हैं mm के डायनेमिक ड्राइवर्स और यहाँ पे ना बिल्कुल आपको मिलने वाली है टक्कर वाली फीलिंग मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं लगी दोनों में ही आपको डिटेलिंग अच्छी मिल जाएगी म्यूजिक पार्ट को लेके लेकिन जो जेबरॉनिक्स है मुझे काफी तक इंप्रेस किया इसकी जो क्लैरिटी है वोकल की क्लैरिटी इंस्ट्रूमेंट का सेपरेशन और जो ट्रेबल्स है ट्रेबल्स आपको थोड़े बहुत बेटर मिल सकते हैं जेब्रॉनिक्स में आपको जो इंस्ट्रूमेंट का सेपरेशन है वो भी हो गया बेटर मिल सकता है लाउडनेस आपको दोनों में ही अच्छी मिल जाएगी एंड जो क्लैरिटी है ना बिल्कुल फुल वॉल्यूम पे जो थोड़ी बहुत डिटेलिंग है वो आपको थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बेटर मिल सकती है नॉइस में एज कंपेयर टू ज़ेब्रोनिक्स नॉइस में जो क्लैरिटी है क्रिस्पनेस है आपको थोड़ी बहुत बेटर मिल सकती है कंपेयर टू जेरोनिक्स लेकिन जेवरॉनिक भी बिल्कुल टक्कर वाली फीलिंग देता है कम प्राइसिंग में आपको अच्छा म्यूजिक एक्सपीरियंस चाहिए अगर आप बिल्कुल प्योरली म्यूजिक लवर हैं अगर आपको कम प्राइसिंग में म्यूजिक से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है सो तो आप डेफिनेटली जेबरॉनिक्स को भी ऑप्शन में रख सकते हैं बिल्कुल टक्कर देता है म्यूजिक पार्ट को लेकर बात करेंगे बेस की हालांकि दोनों ही है हाफ इन ए डिजाइन के ईयरबड्स ईयर कप दो में नहीं मिलने वाले हैं कानों में लटकेंगे पैक नहीं करेंगे तो आपको बिल्कुल जो बोलते हैं ना सराउंडिंग में जो पावरफुल बेस वो आपको दोनों में मिसिंग लगेगा लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत मैं एकदम आगे बोलूंगा बेस पार्ट को लेकर जेबरॉनिक्स से मेरे को थोड़ा बहुत बेटर बेस लगा एज कम्पेयर टू नॉइस ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था मैंने काफी देर से डी डिलिंग के साथ सुनकर देखे दोनों में ही म्यूजिक सो so, मुझे थोड़ा बहुत बेस का पार्ट एक कदम मैं आगे बोलूंगा जेब्रॉनिक से बेटर लगा इस कमेयेड टू नॉइस लेकिन दोनों में ही आपको बहुत ज्यादा पावरफुल बोस्ट सराउंडिंग बेस नहीं मिलने वाला है एंड अगर हम बात करेंगे कॉलिंग की यहां पे भी मैं जेब्रॉनिक्स को ज्यादा प्रेफर करूंगा इस कम्पेयर टू नॉइस इंडोर कंडीशन की कॉलिंग के लिए दोनों ही आपको बढ़िया मिल जाएंगे कॉलिंग को लेकर कोई दिक्कत नहीं आएगी इंडर कंडीशन में लेकिन आउटडोर कंडीशन में है ना सामने वाला आपको बेटर सुन पाएगा जेबरॉनिक्स में एज कम्पेयर टू नॉइस जो नॉइस है उसमें सामने वाले को ना आपकी आवाज़ थोड़ी सरप्रेस सुनाई देगी आउटडोर कंडीशन में हल्की फुल्की उसको बैकग्राउंड नॉइस भी पता चलेगी लेकिन मेरे को ज़्यादा अच्छी कॉलिंग मिली सामने वाले को मैं क्लियरली सुन पा रहा था और सामने वाला मुझे भी क्लियरली सुन पा रहा था ज़्यादा बेटर वे में इन जेबरॉनिक्स एज कम्पेयर टू नॉइस सर ये तो हो गए सारे के सारे डिफरेंसेस मैंने आपको सब बता दिया कि एक्जेक्टली exactly कौन किस में आगे कौन किस में पीछे है एंड ऑफ द डे अगर मुझसे पूछा जाएगा विच टू ऑप फॉर सो यार प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखा जाए नॉइस में आपको हर चीज एक तरीके से ही मिलने वाली है इसमें आपको म्यूजिक क्वालिटी जो है जो क्लैरिटी है क्रिस्ने है फुल वॉल्यूम पे आपको थोड़ी बहुत बेटर मिलेगी बेस आपको डिसेंट मिल जाएगा अच्छी आपको गेमिंग मिल जाएगी और डिसेंट आपको कॉलिंग मिल जाएगी सो so अगर आपका बजट सोलह सौ रुपए के आसपास थोड़े बहुत बेटर लुक एंड फील के बोलते हैं ना ईयरबड्स चाहिए आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है लुक एंड फील से प्लास्टिक क्वालिटी आपको बेटर मिलने वाली है विद अ गुड म्यूजिक एक्सपीरियंस डिजन बेस एक्सपीरियंस गुड गेमिंग एंड गुड कॉलिंग एक्सपीरियंस आप नॉइस को ऑप्शन में रख सकते हैं लेकिन अगर आपका बजट हजार रुपए के आसपास है तो भाई जिब्रॉनिक्स भी बिल्कुल टक्कर वाली फीलिंग दे रहा है आपको अच्छा म्यूजिक एक्सपीरियंस मिल रहा है थोड़ा बहुत आपको बेटर बेस मिल रहा है एज कंपेयर टू नॉइस गेमिंग आपको नहीं मिलने वाली खास और कॉलिंग भी आपको अच्छी प्रोवाइड कर रहा है सो so आप डेफिनेटली हजार रुपए के हिसाब से भाई बिल्कुल जस्टिफाई कर रहा है इसको भी ऑप्शन में रख सकते हैं अगर आपको ज्यादा इन्वेस्ट करके नॉइस की तरफ नहीं जाना है तो आप हजार रुपए में बिल्कुल आपको ये सेटिसफेक्ट्री ईयरबड्स मिलने वाले मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी पटिकेबिक्स को लेकर लॉन्च करके अच्छा इनिशिएटिव लिया है बस जो बैटरी पार्ट है उसमें आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है सो so, मैंने आपको सब एक्जैक्टली बता दिया कि जो प्राइस डिफरेंस है एक्जेक्टली किस चीज का है और जो जेबरॉनिक्स है देखा जाए कम प्राइसिंग में ज्यादा जस्टिफाई कर रहा है बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट की बात करेंगे तो प्राइसिंग के हिसाब से जेब्रॉनिक्स ज्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है इन टर्म्स ऑफ बेस क्वालिटी एंड कॉलिंग क्वालिटी सो so, मैंने आपको सब बता दिया एक्जैक्टली exactly डिफरेंसेस क्या है एंड ऑफ द डे आप पे डिसीजन मैटर करता है आपका मनी आपको कहां इन्वेस्ट करना है मैंने सब बता दिया कौन सा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट ज्यादा है मैंने सारे के सारे पॉसिबल लिंक्स भी दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन पार्ट में वहां पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं अगर अभी भी कुछ दिक्कत हो आपको इतना बताने के बाद भी कुछ पूछना हो आपको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट विद दैट सो दिस वॉज ऑल अबाउट द कंपेरिजन बिटवीन द जेबरिक जेब साउंड बॉम्ब थ्री ट्रू वायरलेस ईयरबड्स विद द नॉइज बट्स वी एस टू जीरो टू ट्रू वायरलेस ईयरबड्स Hope you like this one. And as I told you, if you're new to our channel, kindly subscribe our channel, hit the like button, comment, share as much as possible so we can make more good stuff for you all. So, thank you for watching this one and see you in the next video. Thank you.